पाकिस्तान के अंदर शुरू से ये रहा है कि सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान का पार्टनर है, सपोर्टर है, कश्मीर कॉज को बड़ा सपोर्ट करता रहा है और हमेशा इंडिया के खिलाफ हमारे साथ खड़ा है और जो भी हम कहेंगे वो इंडिया के खिलाफ मानेगा। अब मेरा ख्याल है वो चीजें जो है वो बहुत हद तक बदल चुकी हैं। अब हमें समझ आ चुकी है कि जो चीजें हैं वो उस तरह नहीं है। जो इंडिया को बहुत ज्यादा एडवांटेज है कि इंडिया मुस्लिम वर्ल्ड में भी अपना एक पांव रखता है, जिससे आपको याद होगा कि इंडिया कहता है जी कि हाँ ओआईसी में हमारे भी ताल्लुकात होने चाहिए, ओआईसी में हमें भी पेनिट्रेशन दें, क्योंकि हमारे 20-22 करोड़ जो मुसलमान है आप उनको क्यों एक्सेप्ट नहीं करते, क्यों उनको वैल्यू नहीं देते। तो आपको पता है रिसेंटली यूएई ने जब ओआईसी का इजलास बुलाया तो उन्होंने इंडिया को वहां पे बुलाया, और जब हमारे हमारी यूएई ने सुनी नहीं, हम बड़ा कहते थे कि नहीं इंडिया तो एक हिंदू मुल्क है तो उनको ना बुलाएं, लेकिन यूएई के और इंडिया के ताल्लुकात इतने अच्छे थे कि उन्होंने बुला लिया। फिर आपको पता है रिसेंटली जब नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2019 में अपनी जो कश्मीर का स्टेटस बदला, तो उसके बाद जो है वो यूएई और जो अरब ममालिक है उनको बुला बुला के तो बड़े बड़े सिविलियन अवार्ड दे रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, यह है वायरल फैक्ट और इस वीडियो के अंदर दरअसल बात हो रही है कि इंडिया और सऊदी अरेबिया वो नेवल एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब इंडिया कई सारे कंट्रीज के साथ एक्सरसाइज करता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि आपके सबसे जो ज्यादा जलता है आपसे वो आपका पड़ोसी होता है। बिल्कुल यहां पर यही हो रहा है कि पाकिस्तान में भी धुआं निकल रहा है। अब सिचुएशन इतनी मतलब पाकिस्तान की फेवर में थी जब 1965 की वॉर हुई थी इंडिया पाकिस्तान की, 71 की वॉर हुई थी, तब सऊदी ने खुल के या फिर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, और उस वक्त ये कहा जाता था कि भाई मुसलमान मुसलमान भाई भाई। लेकिन अब पूरी तरीके से सिचुएशन चेंज हो चुकी है, पैसा सबसे आगे बोलता है। अगर आप मुसलमान मुसलमान भाई कहते हो तो आपको वीक में $1 बिलियन 2 बिलियन दे दिए जाते हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए एक कुत्ते के लिए जो बिस्किट होते हैं उससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन जहां पे ज्यादा इंटरेस्ट होता है जैसे कि सऊदी का या फिर कहे कि पूरे अरब कंट्रीज का भारत के अंदर इंटरेस्ट है, तो अब क्या करे, एक एक पॉइंट से जो रिलेशन है वो बढ़ते जाते हैं, और नेवल एक्सरसाइज भी यहाँ पे उसी का एग्जाम्पल है। दोस्तों देखते हैं कमर चीमा की यहाँ पे किस तरीके से जलती है, इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर ले, इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। एक बड़ी रेयर न्यूज है, नॉर्मली इस तरह की खबरें आती नहीं है, और वो ये है कि इंडियन नेवी और जो सऊदी अरेबिया की जो नेवी है वो अपनी मेडन एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। और रिसेंटली जो इंडियन एम्बेसी है रियाद के अंदर, उन्होंने एक जो है वो प्रेस रिलीज भी जारी की और इसके बारे में बात भी की कि अल मुहीद अल हिंदी 2021 अल मुहीद अल हिंदी जो है वो नेवल एक्सरसाइजेस हो रही हैं, और ये जो इंडियन नेवी है उसकी आप ये समझ लें कि जो स्टेट ऑफ द आर्ट उनके जो जो फ्लैगशिप डिस्ट्रॉयर है इंडियन वेस्टर्न नेवल फ्लीट का, वो पोर्ट अल जुबैल जो है वहां पे पहुंचा मंडे को। और ऑब्वियसली जो भी आजकल कोविड के मामला आते हैं उनको देखते हुए ये सारी चीजें की जा रही हैं, और इस जो शिप है ये जो डिस्ट्रॉयर है इसको ऐसे कहा जाता है कि दैट इज नोन एज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इक्विप्ड है और इसके अंदर सोफिस्टिकेटेड डिजिटल नेटवर्क्स हैं, एक सोफिस्टिकेटेड स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स है, सेंसर्स हैं जो कि हर किस्म के थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करता है, दैट कुड बी फ्रॉम एयर सी एंड अंडर वाटर से भी ज्यादा, और ये इस शिप्स की जो है वो यूनिक पोजीशन है। और कहा जाता है कि ये भी एक हाई लेवल इंडिजनाइजेशन अचीवमेंट है इंडिया की। खैर ये तो ऑब्वियसली एक उनका जो एक लोकल उनका एक एलिमेंट है जो उनके प्राइम मिनिस्टर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डाला, जिसमें वो ये कहते हैं कि हर चीज को लोकल बनाओ, और बिकॉज दे बिलीव वो कहते हैं कि जी हमने अपनी जो मेक इन इंडिया उसको प्रमोट करना है। बहुत सारे लोकल इक्विपमेंट लगा है, जारी बात है इस पर भी बात करेंगे, लेकिन अब आप क्योंकि जमाना है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का, तो वो उसमें इंडिया किस हद तक उसकी कैपेसिटी है ये तो देखना पड़ेगा, एंड इट विल टेक सम टाइम। अब जरा इस चीज को जहन में रखना है कि इनकी आपस में इंडिया और सऊदी अरब के जो डिफेंस टाइज हैं वो भी बढ़ रही हैं। आपको याद होगा कि जनरल नरवाने ने भी विजिट किया है सऊदी अरब का, और नॉर्मली ये भी एक बड़ी
यहाँ पे बाथी जी के जनन नरवाने वहां कैसे पहुंच गए हैं और ये क्या हुआ, और उन्होंने पूरे मिडिल ईस्ट का विजिट किया, और पाकिस्तान के अंदर शुरू से ये रहा है कि सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान का पार्टनर है, सपोर्टर है, कश्मीर कॉज को बड़ा सपोर्ट करता रहा है और हमेशा इंडिया के खिलाफ हमारे साथ खड़ा है, और जो भी हम कहेंगे वो इंडिया के खिलाफ मानेगा। अब मेरा ख्याल है वो चीजें जो है वो बहुत हद तक बदल चुकी हैं, अब हमें समझ आ चुकी है कि जो चीजें हैं वो उस तरह नहीं है। जो इस वक्त किंग हैं मोहम्मद बिन सलमान, सॉरी किंग सलमान जो हैं, वो जब क्राउन प्रिंस हुआ करते थे जो 2014 में जब वो आए, और वो पाकिस्तान भी आए थे, और मुझे याद है कि सऊदीज जो हैं वो बड़ा केयरफुली चीजों को देखते हैं। मुझे याद है 2005 में या 6 में किंग अब्दुल्ला तब जब किंग थे तो वो इंडिया भी गए थे और पाकिस्तान भी आए थे। इसी तरह किंग अभी जो है उसके बाद तो आई थिंक पाकिस्तान में किंग नहीं आए, सऊदी क्राउन प्रिंस आते रहते हैं, और जो किंग है इस वक्त क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है वो पाकिस्तान आए और उसके बाद वो इंडिया भी गए 2-3 दिन के बाद, आई थिंक कुछ इस तरह का उनका शेड्यूल था या क्या था, ये रिसेंटली जब हुआ है। तो ये MOUs उनके दरमियान, इंडिया और सऊदी अरब के दरमियान काफी ज्यादा जो है वो साइन हुए हुए हैं, और जो रॉयल सऊदी नेवी फोर्सेस है और जो इंडियन नेवी है इनके कोस्ट गार्ड के रिलेटेड भी काफी ज्यादा मामलात तय हैं, और एक दूसरे की कैपेसिटी बिल्डिंग और पर्टिकुलरली सऊदी कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर ये काम होता है, क्योंकि सऊदी जो हैं वो चाहते हैं कि वो भी अपनी जो कैपेसिटी बिल्डिंग है वो करते रहें, कभी वो पाकिस्तान से ज्यादा करवाते हैं या फिर अमेरिकन से या और ममालिक से, लेकिन हम यहाँ पे पाकिस्तान में समझते हैं क्योंकि सऊदी अरब एक मुस्लिम मुल्क है तो नहीं, बस उसको मुस्लिम मुसलमान मुल्कों के साथ ही ताल्लुक रखना चाहिए, उनको जो है वो नॉन मुस्लिम जो है उनसे ताल्लुक नहीं रखना चाहिए। जो हमारी यहाँ पे हमने एक एनवायरनमेंट बनाया जिसका पता चला कि भाई ये तो एक बड़ी बड़ी गलत सोच रही है, क्योंकि खैर अभी जो इस्लामिक मिलिट्री अलायंस सऊदी अरब ने बनाया उसमें उन्होंने पाकिस्तान को डाला, और पाकिस्तान के जो फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल रहील शरीफ, उसको उसका हेड लगा दिया, और वो जो इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेरर कोलिशन है उससे मेरा ख्याल है कि हर जो मुल्क है वो अपने आप को डाइवर्सिफाई करना चाह रहा है। पाकिस्तान अब कश्मीर के ऊपर सऊदी अरब की मदद नहीं ले सका, और माजी में उन्होंने बड़ी मदद दी है, बहुत कुछ उन्होंने कुछ किया है, वो समझते हैं पाकिस्तान समझता है कि शायद जिस तरह हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात खराब हैं हर मुल्क इंडिया के साथ ताल्लुकात अपने खराब कर ले, और हर मुल्क जो है वो इंडिया के साथ इंडिया से पीछे हट जाए जिस तरह हम उसको कहते हैं। ये जमाना थोड़ा बदल गया है, मिडिल ईस्ट में जितने अरब ममालिक हैं वहाँ लीडरशिप भी बिल्कुल नहीं है, यंग लड़के हैं और वो उस तरह नहीं सोचते जिस तरह उनके बाप दादा जो किंग हुआ करते थे या उस वक्त जो बड़ी पोजीशन में थे वो जिस तरह सोचते थे। फिर उनको अपने अपनी मिडिल ईस्ट में डेमोक्रेसी ना होने की वजह से वहां पे उनको जो लीडरशिप चैलेंजेस भी होते हैं, क्योंकि वो हर वक्त जो है वो अपनी मर्जी से चीजें वो नहीं कर सकते। अभी जो इंडियन जो 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 रॉयल सऊदी आर्म फोर्सेस है वो ट्रेन होती है, जो इंडियन आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट है जैसे नेशनल डिफेंस कॉलेज है दिल्ली में, जैसे कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट है, और फिर एक डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज है, सो इस तरह बहुत सारी जगहों पे वो कोर्स करने भी आते हैं इंडिया में, और उन्होंने अपने ताल्लुकात जो है वो बहुत ज्यादा इंडिया ने और सऊदी अरब ने वो है वो खली, जिसे मैंने पहले बताया कि जनरल नरवाने जब गए थे एक उनका हिस्टोरिक विजिट था इंडियन आर्मी चीफ का जो कि दिसंबर 2020 में हुआ, और उससे काफी ताल्लुकात उनके बेहतर हुए, और इसके साथ साथ अगर देखा जाए जो इंडिया सऊदी बायलैटरल डिफेंस रिलेशनशिप है उसको मुस्बत समझा जा रहा है, उसके अंदर ये नहीं है कि वो सऊदी अब स्मार्ट है, वो नहीं समझते कि हमें पाकिस्तान या मुस्लिम दुनिया के साथ जो पाकिस्तान की वजह से इंडिया से ताल्लुकात खराब करने चाहिए। आपको याद है कि जब सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान गए तो उन्होंने कहा जी कि हम जो है वो तकरीबन 100 अरब डॉलर की तो बात हुई आई थिंक वहां पे पिछले कुछ सालों में अगले कुछ सालों में इन्वेस्ट करेंगे, एंड अबव ऑल इंडिया को भी एक लिवरेज है कि इंडिया जो है वो चाहता है कि हमारा जो हज कोटा है वो तकरीबन 2 लाख हाजियों तक किया जाए। सो इंडिया बेसिकली ये मिडल ईस्टर्न और मुस्लिम ममालिक को बताना चाहता है कि हमारे पास भी क्योंकि मुसलमान है तो उसकी वो लिवरेज लेना चाहता है, और सऊदी अरब को ये बताया कि जी सिर्फ पाकिस्तान से कोटा नहीं आता, बिकॉज उनको पता है कि इस कोटे से उनको पैसा मिलता है जब लोग हज करने जाते हैं उमरा करने जाते हैं। मैंने भी उमरा किया है, आई हैव बीन टू सऊदी अरेबिया, और देखा वहां बहुत सारे इंडियंस आए होते हैं
जो उमरा करने आते हैं कहीं ना कहीं रास्ते से आते हैं वो, तो यहाँ पे आके मुझे पता ये चलता है कि जो सऊदीज हैं दे आर पुटिंग अ लॉट ऑफ मनी इन इंडिया, और इंडियंस जो हैं वो भी बहुत ज्यादा जो ताल्लुकात को डिपेंडेंसी रखना चाहते हैं, अपनी ताल्लुकात जो है वो अच्छे रखना चाहते हैं। और जो सऊदी अरेबिया है तकरीबन वो फोर्थ लार्जेस्ट जो ट्रेड पार्टनर है इंडिया का, चाइना के बाद, यूएसए और जापान के बाद, जो कि एक बड़ी तकरीबन मेरे ख्याल है 28 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है एक एक ट्रेड है। ये कुछ चीजें इस तरह की हैं जिससे इंडिया को बहुत ज्यादा एडवांटेज है कि इंडिया मुस्लिम वर्ल्ड में भी अपना एक पांव रखता है, जिससे आपको याद होगा कि इंडिया कहता है जी कि हाँ ओआईसी में हमारे भी ताल्लुकात होने चाहिए, ओआईसी में हमें भी पेनिट्रेशन दें, क्योंकि हमारे 20-22 करोड़ जो मुसलमान है आप उनको क्यों एक्सेप्ट नहीं करते, क्यों उनको वैल्यू नहीं देते। तो आपको पता है रिसेंटली यूएई ने जब ओआईसी का इजलास बुलाया तो उन्होंने इंडिया को वहां पे बुलाया, और जब हमारे हमारी यूएई ने सुनी नहीं, हम बड़ा कहते थे कि नहीं इंडिया तो एक हिंदू मुल्क है तो उनको ना बुलाएं, लेकिन यूएई के और इंडिया के ताल्लुकात इतने अच्छे थे कि उन्होंने बुला लिया। और फिर आपको पता है रिसेंटली जब नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2019 में अपनी जो कश्मीर का स्टेटस बदला, तो उसके बाद जो है वो यूएई और जो अरब ममालिक है उनको बुला बुला के तो बड़े बड़े सिविलियन अवार्ड दे रहे हैं। तो जिसका आप इमेजिन कर सकते हैं कि पाकिस्तान में तो यहाँ पे बड़ा मामला खराब हुआ और हमने बड़ा प्रोटेस्ट किया, लेकिन उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी, क्योंकि वो समझते हैं कि पाकिस्तान है, सारे रिलेशनशिप को हाईजैक करना चाहता है और हमें जो है वो फोर्स करता है कि हम पाकिस्तान की मर्जी से ताल्लुकात जो है वो मेंटेन करें इंडिया के साथ। जिस पर मेरा ख्याल है सऊदी अरब और यूएई ने ये फैसला कर लिया, क्योंकि हमारी तो डिपेंडेंस उन पर ज्यादा है, हमारी तो 12-14 अरब डॉलर की जो फॉरेन रेमिटेंस आती है सऊदी अरब से और मिडल ईस्ट से, जो दुनिया से हमें टोटल रेमिटेंस अगर 24-25 अरब डॉलर आती है तो उसका हाफ हमें मिडल ईस्ट से आता है और उसका हाफ हमें सऊदी अरब से आता है। तो फिर इसको देख करके सऊदीज और अमारातीज ने हमें थोड़ा टफ टाइम भी दिया, अभी तो सऊदी अमारातीज ने हमारे वीजे बंद कर दिए हैं, और वो सारी बातें इसलिए की हैं क्योंकि जो इसराइल और यूएई के ताल्लुकात अच्छे हुए हैं, जो बहाल हुए हैं, उन्होंने एक दूसरे को रिकग्नाइज किया है। तो अब उसमें आके ये पता चलता है कि जो 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 यूएई है वो डरता है कि कोई इस तरह के लोग ना आ जाएं जो कि इसराइली जो लोग हैं उन पे हमला कर दें या कुछ इस तरह कर दें। और रिसेंटली जब फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी गए थे तो ये पाकिस्तान के जो उन लोगों ने पाकिस्तानी कम्युनिटी ने फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात की, तो शाह महमूद कुरैशी ने उनको अवेयर किया कि ये चीजें जो हैं अपनी सोसाइटी तक अपने लोगों तक पहुंचाएं कि अगर आपने यहाँ पे कुछ इस तरह की गड़बड़ करने की कोशिश की तो आपके लिए मिसाइल पैदा हो सकते हैं। ये कुछ इस तरह की चीजें मैं समझता हूँ। और जिस तरह सऊदी इंडिया ऑयल मंगवाता है बहुत ज्यादा, खैर इंडिया भी बहुत ज्यादा रेमिटेंस कमा रहा है, लेकिन इंडिया ने अपनी उनकी जहाँ पे रॉ लेबर है वहाँ स्किल्ड लेबर भी बहुत ज्यादा है मिडल ईस्ट में, जो कि समटाइम्स जो है वो पाकिस्तानियों को ओवरटेक कर जाती है, और पाकिस्तान समझता है क्योंकि मुस्लिम मुल्क है तो जो इंडिया से मुसलमान जाते हैं उनको भी वो इंगेज कर लेते हैं, और वो कहते हैं जी ठीक है इनको जो मुसलमान है उनको इस जगहों पे इंगेज किया जाए, जो नॉन मुस्लिम है उनको और आप टेक्निकल जगहों पे जो है वो इंगेज कर लें। लेकिन जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ऑब्वियसली डिफेंस टाइज जो दोनों ममालिक की हैं वो उनकी काफी वैल्यू है। इकोनॉमिक टाइज का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो आपस में वो लगे हुए हैं, लेकिन डिफेंस के हवाले से भी है उनका। और दूसरी बात यह है कि इन्होंने सऊदी अरब ने और इंडिया ने जो है 2006 में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी तय किया था काउंटरिंग टेररिज्म, और उसके बाद भी वो ये करते रहे हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स, और इनका इंटेलिजेंस कोऑपरेशन काउंटर टेररिज्म जो है वो चलता रहा है। एक अच्छा ताल्लुक है इंडिया और सऊदी अरब का, और जो सऊदीज हैं वो अपनी समझते हैं कि हमें अपनी इंडिपेंडेंट पोजिशन रखनी चाहिए, और सऊदीज जो हैं वो अपने आप को एक जो बायर सेलर रिलेशनशिप है उसमें उससे वो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरफ जा रहे हैं। सो दिस इज नॉट जस्ट अ बाइंग सेलिंग,